धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं भी आज एक मुद्दा लेके जो आया हूँ आपके बीच में, अपनी विधानसभा का है, द्वारका का भी है और उत्तम नगर का भी है। यह पंखा रोड और उत्तम नगर की समस्या है। ये पंखा रोड जो हमारी डिसु कॉलोनी से शुरू होकर उत्तम नगर तक जाती है, इस रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है जो एमसीडी ने 2014-15 में पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर किया था। इस फ्लाईओवर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये इसके स्लैब टूट टूट के गिर रहे हैं नीचे। पीडब्ल्यूडी इस पर कुछ नहीं कर रही। अभी इन्होंने पेंट करने की बात की तो मैंने उनसे कहा कि आप पेंट इसमें खूबसूरत पेंट करिए ताकि ये काला सा पेंट ना करें, क्योंकि जनकपुरी की जनता की डिमांड है खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी और लीपापोती करके पेमेंट जो उसका टेंडर था उससे भी ज़्यादा अमाउंट दे के उसे कंप्लीट कर दिया। हमारी इस पंखा रोड की स्थिति इसलिए ज़्यादा खराब हो रही है क्योंकि यहाँ पर बसों का अड्डा बन गया है। मैं मंत्री जी बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि उत्तम नगर टर्मिनल के पास पंखा रोड के ऊपर बहुत सारी बसें खड़ी हो जाती हैं जिससे एरिया बहुत, मतलब जाने आने का रास्ता बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण बसें निकल नहीं सकते लोग। साथ ही इसके चारों इसी रोड के ऊपर वर्कशॉप खुल गई हैं और इसके साथ एक साइकिल पथ है जिसके ऊपर लाइट की व्यवस्था बहुत कम है, कई जगह पर तो है ही नहीं। उस जगह पर रात के समय में गलत धंधे शुरू हो जाते हैं। इसकी जानकारी SHO को भी है लेकिन SHO को कुछ करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप जानते हो पुलिस हर जगह सेटल कर लेती है। इसी के ऊपर कुछ मीट बेचने वालों की शाम में दुकानें लग जाती हैं, वहाँ खुलेआम शराब परोसी जाती है और पुलिस को अपना जो महीना है वो मिलता रहता है, इसलिए वो रोकती नहीं है। यही कारण है कि ये पूरी रोड जो है हमेशा जाम रहती है। इसके बाद उत्तम नगर टर्मिनल जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस टर्मिनल के ऊपर जो वहाँ पर बैटरी रिक्शे लगे हुए हैं, वहाँ पर MCD के द्वारा ठेले लगाई जाती हैं क्योंकि MCD पैसे वसूलती है, हटाती नहीं है। तो ये स्थिति हो जाती है कि उस रोड से क्रॉस करने वालों को उत्तम नगर टर्मिनल पे लगभग एक एक घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है, ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है। नजफगढ़ रोड की तो और भी बुरी हालत है कि दोनों रोड के किनारे पे इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कोई हटाने वाला नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ रहते हैं वहाँ पर, लेकिन वो कुछ नहीं करते। उन्होंने अपने वहाँ बंदे रखे हुए हैं, वो लाठी लेके हाँकते रहते हैं और सबसे पैसे वसूलते रहते हैं। ये स्थिति है वहाँ की। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि आप इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई कराई जा सके डिपार्टमेंट को लिख के भेजिए, उनको बुलाइए ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो, ये जाम से मुक्ति मिले। हमारे PWD मंत्री जी बैठी हैं और ये स्थिति यहाँ की इतनी बुरी हालत में है। और तो और मेट्रो ने जो जगह ले ली उसकी साथ में फुटपाथ के साथ, उसके अंदर उन्होंने शराब की दुकान को दे दिया और बिल्कुल रोड के ऊपर शराब बिकना शुरू हो गई। जब कम से कम कुछ एरिया तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोग आ जा सके उस सामने, रोड के बाद सीधी दुकान शुरू हो जाती है। तो ये उत्तम नगर टर्मिनल की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। इससे हम भी प्रभावित हैं, हमारा तिलक नगर भी प्रभावित है और उत्तम नगर विधानसभा भी प्रभावित है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला ठोकस जी।